नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। आज के वीडियो में मैं आपको ट्रेन नंबर 11056 गोरखपुर मुंबई गोदान एक्सप्रेस के बारे में जानकारी दूंगा। इस वीडियो में मैंने इस ट्रेन के रूट, ये ट्रेन कब चलती है, कौन कौन से स्टेशनों पर रुकती है, कितनी देर रुकती है, इस ट्रेन में आपको कौन कौन सी सुविधाएँ मिल जाएंगी और इस ट्रेन का किराया क्या होगा, इस प्रकार की सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल द रेल यात्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे नए और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ट्रेन नंबर 11056 गोरखपुर मुंबई गोदान एक्सप्रेस के बारे में जानकारी देता हूँ। ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जंक्शन से महाराष्ट्र के लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई तक चलती है। ये ट्रेन हफ्ते में 4 दिन हर रविवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को गोरखपुर जंक्शन से सुबह 6:20 पर चलती है। इस ट्रेन को गोरखपुर जंक्शन से लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई तक के 1727 किलोमीटर के डिस्टेंस को पूरा करने में 33 घंटे 55 मिनट का समय लगता है। इस पूरी जर्नी में ये ट्रेन 21 स्टेशनों या हॉल्ट पर रुकते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई पहुंचती है और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 51 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अब मैं आपको इस ट्रेन की केटरिंग या फिर खान पान से संबंधित जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं होती है, लेकिन इस ट्रेन में आपको ऑनबोर्ड केटरिंग और ई केटरिंग की सुविधा आपको मिल जाएगी। इस ट्रेन में आपको दोनों टाइप के तत्काल, प्रीमियम तत्काल और तत्काल की भी सुविधा मिल जाएगी। अब मैं आपको इस ट्रेन के लोकोमोटिव के बारे में जानकारी देता हूँ। ये ट्रेन दोनों टाइप के लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलती है गोरखपुर जंक्शन से लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई तक। ये ट्रेन गोरखपुर जंक्शन से कटनी जंक्शन तक डीजल लोकोमोटिव से चलती है और फिर कटनी जंक्शन से लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलती है। और इस ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्स किया जाता है इलाहाबाद जंक्शन पर। अब मैं आपको इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन या फिर कोच कॉम्पोजिशन के बारे में जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में 3 जनरल क्लास वाले कोच, 12 स्लीपर क्लास वाले कोच, 4 थर्ड एसी क्लास वाले कोच और 1 सेकेंड एसी क्लास वाला कोच इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन में होता है। दोस्तों, मैंने इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन वाला पूरा लेआउट अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बनाया हुआ है। आप वहां से भी देख सकते हो कि इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन में कोचेस की पोजिशन क्या होती है। अब मैं आपको इस ट्रेन के किराए के बारे में जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन का जनरल क्लास का किराया है 370 रुपये, इस ट्रेन का स्लीपर क्लास का किराया है 655 रुपये, इस ट्रेन का थर्ड एसी क्लास का किराया है 1755 रुपये, इस ट्रेन का सेकेंड एसी क्लास का किराया है 2580 रुपये। दोस्तों, मैंने ये जो किराया आपको बताया हुआ है, ये किराया गोरखपुर जंक्शन से लेकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई तक है। भारतीय रेल अपना किराया समय समय पर चेंज करता रहता है। नए किराए या फिर लेटेस्ट किराए की जानकारी के लिए आप भारतीय रेल के रिजर्वेशन काउंटर या फिर भारतीय रेल की ऑफिशियल वेबसाइट IRCTC से आप क्लियर कर सकते हो कि आपका किराया क्या होगा, जिस भी स्टेशन से आप इस ट्रेन में सफ़र करना चाहते हो। ये ट्रेन गोरखपुर जंक्शन से छूटने के आधे घंटे पहले गोरखपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आकर लग जाती है। इस ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने के 3 से 4 घंटे पहले भारतीय रेल द्वारा बना दिया जाता है। अब मैं आपको इस ट्रेन के रूट के बारे में जानकारी देता हूँ कि ये ट्रेन कौन से रूट से होकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई पहुँचती है और इस ट्रेन को कौन कौन से स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकना होता है इस ट्रेन की पूरी जर्नी में। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, गोरखपुर मुंबई गोदान एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से हर रविवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 6:20 पर चलती है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट देवरिया सदर, यहाँ पर ट्रेन सुबह 7:05 पर पहुँचती है और 7:10 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट बेलथरा रोड, यहाँ पर ट्रेन सुबह 8:15 पर पहुँचती है
और 8:17 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट मऊ जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह 9:10 पर पहुँचती है और 9:20 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट मोहम्मदाबाद, यहाँ पर ट्रेन सुबह 9:48 पर पहुँचती है और 9:50 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का पाँचवा हॉल्ट आजमगढ़, यहाँ पर ट्रेन सुबह 10:10 पर पहुँचती है और 10:15 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का छठा हॉल्ट सरायमीर, यहाँ पर ट्रेन सुबह 10:53 पर पहुँचती है और 10:55 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का सातवां हॉल्ट खुरासान रोड, यहाँ पर ट्रेन दिन में 11:08 पर पहुँचती है और 11:10 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का आठवां हॉल्ट शाहगंज जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन दोपहर 12 बजे पहुँचती है और 12:10 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का नवा हॉल्ट जौनपुर जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन दिन में 1:04 पर पहुँचती है और 1:08 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 4 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दसवां हॉल्ट जाफराबाद जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन दिन में 1:16 पर पहुँचती है और 1:18 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का ग्यारहवां हॉल्ट मडियाऊ, यहाँ पर ट्रेन दिन में 1:45 पर पहुँचती है और 1:47 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट चंघई जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन दिन में 2:23 पर पहुँचती है और 2:28 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट फूलपुर, यहाँ पर ट्रेन दिन में 2:54 पर पहुँचती है और 2:56 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 14वां हॉल्ट इलाहाबाद जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन दिन में 4:22 पर पहुँचती है और 4:55 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 33 मिनट रुकती है। यहाँ पर लोकोमोटिव रिवर्स किया जाता है इस ट्रेन का। इस ट्रेन का 15वां हॉल्ट सतना जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 8:20 पर पहुँचती है और 8:30 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 16वां हॉल्ट जबलपुर जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 11:20 पर पहुँचती है और 11:30 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 17वां हॉल्ट इटारसी जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 3:15 पर पहुँचती है और 3:25 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 18वां हॉल्ट भुसावल जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह 8:05 पर पहुँचती है और 8:10 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 19वां हॉल्ट नासिक रोड, यहाँ पर ट्रेन दिन में 11:12 पर पहुँचती है और 11:15 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 20वां हॉल्ट कल्याण जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन दिन में 3:05 पर पहुँचती है और 3:10 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 21वां हॉल्ट थाने, यहाँ पर ट्रेन दिन में 3:32 पर पहुँचती है और 3:35 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 22वां और अंतिम हॉल्ट लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई, यहाँ पर ट्रेन दिन में 4:15 पर पहुँचती है। दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसा था। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।